यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। लंबे अरसे से समाज सेवा से जुड़े मेरठ शास्त्री नगर निवासी हरि भगवान रस्तोगी की मृत्यु के बाद लिए गए संकल्प के तहत उनके शव को मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द कर दिया गया। उनके पुत्र संजीव रस्तोगी ने इस मौके पर कहा कि उन्हें गर्व है अपने पिता पर कि उन्होंने जीवन भर समाज सेवा के लिए कार्य किए और अब निधन के बाद भी उनका शव मेडिकल कॉलेज में उन नए चिकित्सकों के काम आएगा जो सीखकर मानव जाति के हित में कार्य करेंगे। हरि भगवान रस्तोगी का निधन 16 जून को हो गया था। पिछले कोरोना काल में उनके बड़े बेटे राजीव का भी निधन हो गया था। शास्त्री नगर नई सड़क पर प्रवीण नाम से उनका मेडिकल स्टोर है। मेडिकल कॉलेज में शव सुपुर्द करने के बाद संजीव रस्तोगी ने यह कहा। आज से 10 साल पहले की बात है, जब उनकी 50वीं वर्षगांठ थी शादी की, तो उनकी इच्छा थी कि भाई मैं जो है अपना बॉडी डोनेट कर दूँ मेडिकल कॉलेज को। और फिजिकली वो खुद यहाँ पे आए डिपार्टमेंट में, उन्होंने पूछा कि भाई जो है किस तरह का रहता है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को बॉडी मिलती है नहीं मिलती। तो यहाँ पता लगा कि 3-4 लवारिस मिलती हैं एक साल में या 6 महीने में। तो उनकी इच्छा जब ही से ये हुई कि भाई मैं जो है बॉडी डोनेट करनी है मुझे, और लोगों को भी प्रेरणा देनी है इस बात को कह के, तो उन्होंने अपने ये 50वीं वर्षगांठ थी 22 जून जो कि अब आ रही थी 60 होने जा रहा था। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ और मेरे पिताजी का नाम भी श्री हरि भगवान रस्तोगी है, हरि भी हैं भगवान भी हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने यह जानकारी दी। सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय हरि भगवान रस्तोगी जी के सभी, उनको और उनके सभी परिवारजनों को मैं मेडिकल कॉलेज मेरठ की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान दिया और उनके शरीर से आने वाले समय में कई सत्र के MBBS के छात्र लाभान्वित होंगे और उसमें सीनियर डॉक्टर्स ऑपरेशन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चे दूसरी तरफ खुद से उन ऑपरेशंस को करते हैं और देखते हैं। जब बच्चे पहले मृत शरीर में उन ऑपरेशंस को और उन जो भी अंगों को देखते हैं, तो जब बाद में किसी जीवित मनुष्य का OT में ऑपरेशन करना होता है तो उस समय उनको वो चीज़ें रिकॉल होती हैं कि हाँ ये हम पहले से देख चुके हैं और ये यहाँ पर ये ऑर्गन, ये नर्व, ये आर्टरी, ये ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर डायरेक्ट किसी जीवित व्यक्ति में उनको OT में कराया जाएगा तो हो सकता है कि वो कोई गलती कर दें, कुछ कट जाए, कुछ वो हो जाए। इसलिए मृत मानव शरीर में, शरीर रचना विभाग में शरीर की जो भी जटिल संरचनाएं हैं वो दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।